तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टायर अपग्रेड करने वाला हूँ, जो आपने NS125 की टायर है। स्टॉक में ये 110 की आती है, लेकिन अब तक मार्केट में इंस्टॉल करने वाला हूँ 120x80 17 सेक्शन की, जो कि सीएट कंपनी की होगी। तब तक आप वीडियो में बने रहिए कि फुल प्रोसेस कैसे लगाते हैं और कैसे निकालते हैं, और पूरा प्रोसेस ही देखिए आप सब। स्टॉक में जो आता है टायर NS125 की, बहुत ही मतलब कम पतला है, देखने में आगे से पीछे से बहुत ही मतलब बेकार लगता है। बेकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक ही लगता है अपने सीसी के अकॉर्डिंग। फिर भी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा ब्रॉड टायर, यानी बल्कि लुक चाहिए मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा अपग्रेड करने वाला हूँ। वैसे अपग्रेड करने के बाद मुझे माइलेज में कुछ कमी हो सकता है, 2-3 किलोमीटर का फर्क पड़ सकता है, उसके अलावा तो कुछ अधिक डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा, शायद मेरा ये मतलब अनुभव है। अब ये भाई साहब मेरा टायर को खोलेंगे, जो कि स्टॉक से आते हैं 110 सेक्शन की। अब ये नया टायर लगाने के लिए ये जो पुराना टायर है उसको मशीन में डालना पड़ेगा, ताकि खोल सके। खोलने के बाद ही फिर फिट होगा न्यू टायर। तो मैं यही टायर लगाने वाला हूँ, जिसका साइज़ 120x80 17 की है, जो कि सीएट कंपनी का है। बहुत ही मतलब तगड़ा टायर है। आप देखते हैं लगाने के बाद लुक कैसा है। देखिए आप सभी कितना डिफरेंट आता है, जो पहले स्टॉक का है और आफ्टर मार्केट मैंने अभी लगवाना है, उसका डिफरेंट बहुत है। अगर आपको भी टायर अपग्रेड करवाना है तो आप अपना नज़दीकी या शोरूम में जाइए। शोरूम पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, वैसे मैकेनिक के पास ही टायर अवेलेबल हो जाएंगे। आप दुनिया की थोड़ा अच्छे वाला मैकेनिक होना चाहिए, जिसका मतलब हाथों से अच्छे से काम होता हो, तो उसके पास जाइए, तो टायर आराम से लगा देंगे आपके। जो अपग्रेड जो भी करना हो, चाहे आप आगे का सोचो या पीछे का, मतलब जिस जहाँ से भी कराना है आपको, मैकेनिक अच्छे मैकेनिक के पास ही जाना, ठीक है। मेरा ये सजेशन है, क्योंकि अच्छा जिसको इतना काम आता नहीं, वो तो आपको ढंग से करके नहीं देगा, फिर बार बार आपको बनवाना पड़ेगा, फिर पैसा वेस्ट होगा उसमें। एक ही बार में चला जाइए अच्छे मैकेनिक के पास, अगर आपको भी लगाना है तब। लगाने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है, वैसे भी मतलब जितना दिखाई देना चाहिए इतना नहीं दिखाई दिया,